रिप्रेजेंट स्मॉल एल से करते हैं, किसे करते हैं स्मॉल एल से, बात समझ आया। इसके पहले मोलैरिटी था उसको किसे क्या करता आपने कैपिटल एल से, तो कैपिटल और स्मॉल एल एक हो गया मोलैरिटी हो गया, और ये है मोलैलिटी मोललता, क्या गया मोललता। ये देखोगे तो इसको है लिख सकते हैं द नंबर, द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट प्रेजेंट इन वन केजी ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन सर कमी सॉल्वेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और वन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। लिखा आपने क्या लिखा, ये थोड़ा सा देख लीजिए, लिखते रहिएगा क्या गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वन केजी ऑफ सॉल्वेंट, इसमें ध्यान देने याद देने वाली बात है केजी में है, क्या है ये केजी यानी किलोग्राम है। यहाँ देख रहे हैं मोलैरिटी क्या हो गया, मोलैरिटी यानी स्मॉल एम इक्वल टू लिखा गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो हमेशा क्या करेंगे सॉल्वेंट यानी विलायक का भार किसमें रखेंगे, किलोग्राम में रखेंगे, हमेशा और हमेशा किलोग्राम में ही रखेंगे, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो इसी को क्या कहेंगे मोलैरिटी, क्या कहेंगे मोलैरिटी यानी मोललता कहते हैं, ठीक है। अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट ये देखो मोल और पर केजी, इसका यूनिट क्या होता है किलोग्राम, और इसका हो गया मोल, यानी मोललता क्या हो जाएगा मोल पर केजी, यही हो जाएगा। इसी को फिजिक्स वाला ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे मोल है मोल और केजी पर ऐसे माइनस वन लिख देते हैं, बात समझ में आ गया। तो वो माइनस वन का मतलब नीचे, माइनस वन का मतलब नीचे, तो मोल पर केजी लिख सकते हैं या मोल केजी पर माइनस वन, इसके क्या हो जाएगा यूनिट हो जाएगा, किसकी मोलैलिटी की यानी मोलैलिटी की, बात समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे इसको हमने क्या किया, यदि किसी सॉल्वेंट का क्या है एक किलोग्राम वाला सॉल्वेंट है, यानी पानी वाला एक किलोग्राम है, क्या है एक किलोग्राम है, इसमें एक मोल NaOH घुला हुआ है तो उसकी मोलैलिटी क्या हो जाएगी वन मोल। यदि एक किलोग्राम पानी में कितना घुला हुआ है दो, कोई सॉल्यूट है जिसके दो मोल घुले हुए हैं तो उसकी मोलैलिटी हो जाएगी टू, बात समझ में आया। तो इस प्रकार से अब क्या कर सकते हैं मोलैलिटी का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हमेशा याद रहे मोलैलिटी में जब भी फार्मूला आता है यानी इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें क्या करते हैं सॉल्वेंट का क्या रखा है वेट रखना है किसमें केजी में, किसमें रखना है इसमें केजी में रखना है, इस हिसाब से हमेशा करेंगे। यहाँ देखो एक दो और तीन, एक दो और तीन, इसमें इन फार्मूले में तीन के विषय में तीन चीजों में पारस्परिक रिलेशन दिया गया है, तीन चीजों में पारस्परिक रिलेशन है, तो इन तीनों में कोई दो दिया रहेगा हम तीसरा निकाल सकते हैं, इसी फार्मूले को सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया, यहाँ से हम क्या करें अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहे यहाँ से तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे देख लो नंबर ऑफ मोल्स बराबर है इक्वल हो जाएगा क्या मोलैलिटी इन टू मास ऑफ व्हाट सॉल्वेंट किसमें इन केजी, केजी में छोटा कभी भी केजी हो जाएगा। यही से अगर हमको क्या करना है क्या निकाला है मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, कब निकालना है जब बिलियन की क्या दिया हो मोलैलिटी दिया हो, कब दिया हो मोलैलिटी दिया हो, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिया हो। तो यहां से यहां पक्षांतर करते हो,
यहां से मान लो हमको निकालना है मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें इन केजी हो जाएगा। तो यहां से मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में और क्या करेंगे हम, ये नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मोलैलिटी हो जाएगा। यानी क्या ये कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मोलैलिटी, इसमें हम है मोलैलिटी। बात समझ में आया, एक ही चीज से इस फार्मूले में तीन चीजों में पारस्परिक संबंध है, तीनों में पक्षांतर करके जैसे जैसे जरूरत होगा आप सॉल्व कर लेंगे। यहां तक किसी कोई दिक्कत? आप देखो अब क्या करना है, यहां तो इसे पक्षांतर कर ही लेंगे ठीक है। इसके बाद एक और चीज ध्यान देंगे हम, तो क्या करना है यहां देखो, यहां मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहां देखो इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं। इलेबोरेट ये मोलैलिटी है, क्या है मोलैलिटी है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और ये क्या है मोल्स है, किसका मोल्स है सॉल्यूट का, किसका मोल है सॉल्यूट का, और हम मोल बराबर क्या करते हैं भार अपान और भार, यानी वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, किसका सॉल्यूट का, किसका सॉल्यूट का। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां थोड़ा सा और इलेबोरेट कर देंगे तो मोलैलिटी एम बराबर हो जाएगा, क्या होगा वेट किसमें रहेगा इन ग्राम, किसका है सॉल्यूट का, तो यहां यह सॉल्यूट लिख देंगे बाद में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट किसका है, ये भी सॉल्यूट का ही है, अपॉन क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी ठीक है। यानी कि क्या हो गया अब यहां पर लिखिए मोलैलिटी हो गया, क्या हो गया यह मोलैलिटी हो गया, वेट ऑफ सॉल्यूट किस में रहेगा हमेशा ग्राम में, यह मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, किसका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहां पे अगर देखेंगे फिर इसको अगर शॉर्ट पॉइंट पे ला दिया जाए ठीक है, तो यहां रिलेशन हुआ कितने में 1, 2, 3 और 4, यानी कि 4 यानी 4 चीजों में पारस्परिक संबंध बता रहा है ये फार्मूला, जो सूत्र है वह 4 चीजों में पारस्परिक संबंध बता रहा है। इन चार चीजों में कोई 3 दिया रहेगा, चौथा आप निकालेंगे, निकल जाएगा चौथा क्या होगा निकल जाएगा। यहां देख रहे हैं आप क्या दिया हुआ है, वेट दिया है किसका सॉल्यूट का, मॉलिक्यूलर वेट दिया है सॉल्यूट का, और मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये दिया है मोलैलिटी। बात समझ में आ गया, तो इन चारों में कोई 3 दिया रहेगा पक्षांतर करके उसको आसानी से अगर सॉल्व कर लेंगे फिर कोई दिक्कत, तो इसमें भी सवाल आपको मिल जाएगा तो आसानी से, और इसमें तो सवाल डायरेक्ट मिलता है डायरेक्ट भी सवाल मिलेगा और इसमें भी सवाल मिलेगा, इस हिसाब से इसमें सॉल्व करेंगे ठीक है। क्वेश्चन लिखो अच्छा, एक और चीज यहां तक लिखिए ना, एक चीज और लिख लो इसके नीचे लिख लो, यही बात है कि मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन लिखो यहां पे, कहां लिखे यही लिखे जाए मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, एक लाइन लिखना है सॉल्यूशन इज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर, यानी कि ताप बदलने से किसी विलयन का ताप बदलने से उसके मोलैलिटी में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बात समझ में आ गया, मोलैलिटी या क्या हो गया किसी सॉल्यूशन का जो मोलैलिटी है वह डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर, ताप बदलने के साथ साथ उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इसमें विश्वास मिलेगा आपको। देता है प्रश्न डायरेक्ट है
विच वर नॉट इफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। याद रहेगा चार विकल्प रहेगा उसमें मल्टीपल चॉइस वाले में, इसमें से कौन सा गुण ताप बदलने के साथ साथ प्रभावित नहीं होगा, नॉट चेंजेड विद चेंज इन टेम्परेचर। अगर आपको याद रहेगा तो ठीक है, फिर तो मामला गड़बड़ा जाता है। बात समझ आ गया, ऐसा कैरेक्टर है जो क्या कहता है टेम्परेचर बदलने से बदलता नहीं है, बोले ठीक है। अब क्वेश्चन लिखना है आपको, क्या लिखना है क्वेश्चन लिखिए। ये है 20 ग्राम Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, 20 ग्राम Na2CO3 हो गया डिजॉल्व इन DISOLVE डिजॉल्व इन घोला गया है किसमें, इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, 1000 ग्राम पानी में घोला गया है, ठीक है। फाइंड आउट मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। फिर भाई पिछले वाली तरह की बात जो दिया है पहले लिखते हैं, जो पूछ रहा है उसको लिखते हैं, उसके बाद सूत्र लिखते हैं तब लगाते हैं, डायरेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू डायरेक्ट कैलकुलेशन। जब एक हो गया अब, यानी कि हमारे पास जो क्या है अब ये देखो थोड़ा सा आपको समझना है इसको, एक बार थोड़ा देख भी लिया जाए, काफी लगा लिया ठीक ही है। क्या करना है आपको, ये सबसे पहले देखो मोलैलिटी निकालना है, तो यहाँ फार्मूला देगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी मिलेंगे मोलों की संख्या आनी चाहिए, और मास ऑफ सॉल्यूट इन केजी। तो यहाँ प्रश्न में दिया था कि कितना है 1000 ग्राम, याद होगा। तो क्या हो गया, तो सीधे तुमको तो पता चल गया कि जो विलेय का जो मास वो है, विलायक का जो भार है कितना है, एक केजी है, एक हजार मतलब एक केजी। तो ये लोग क्लियर हो गया। अब केवल क्या है, यहाँ देखो जो सोडियम कार्बोनेट है, क्या है ये सोडियम कार्बोनेट है, उसके मोलों की संख्या चाहिए, और मोलों की संख्या वाला जानते हो भार बटे अनुपात। तो पहले आपको इसको क्या करना पड़ेगा, इसका अनुपात निकालना पड़ेगा। तो सोडियम का कार्बोनेट का ये है सोडियम यानी Na2CO3, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो सोडियम का कितना होता है 23, कितना होता है 23, ये हो जाएगा 2 × 23। कार्बन का कितना होता है 12, इसे भी अब 12। ऑक्सीजन का होता है 16, कितना है इसमें 3 × 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा 23 × 46 और प्लस है 12 और प्लस है 48 हो गया, ठीक है। कैलकुलेट किया कितना आया, क्लियर, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल चाहिए, तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर पड़े हैं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट कितना दिया है 20 ग्राम, क्या था यह 20 ग्राम था, 20 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट हो गया 106 डिवाइड के कितना आया 0.18। ये क्या हो गया नंबर ऑफ मोल हो गया, इतना ही है बात समझ में आती है, तो मोल हो गया। अब हमारे पास फार्मूला आ गया नंबर ऑफ मोल सफा लिए, तो सीधे लिख सकते हैं मोलैलिटी बराबर हो गया 0.18 अपॉन 1 kg है तो डायरेक्ट हो जाएगा 1 kg, 1000 ग्राम था तो उसको किलो, आपको देखिए फार्मूला लिखा गया है हमेशा किस में रखना है केजी में रखना है, 1000 ग्राम को 1 kg होता है, तो आप सीधे क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, ये 1 भाग देंगे सीधे हो जाएगा 0.18, क्या हो जाएगा यूनिट मोल, मोल प्रति केजी। बात समझ में आएगा, आंसर हो गया मोल पर केजी। इसमें किसी कोई दिक्कत, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। एक और क्वेश्चन,
है ट्राई टू साल विद इन वन मिनट, क्योंकि आपके परीक्षा में एक मिनट में सवाल आता है। ये देखो दिया है 40 ग्राम NaOH है, क्या ये NaOH है? डिजॉल्व, बोलो नहीं, डिजॉल्व इन व्हाट 250 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। मोल एनर्जी निकालनी है, इस बारे में फाइंड आउट करनी है। शुरू करो, कितना है 40 ग्राम NaOH है, 250 ग्राम पानी में घोला गया, खर्च से निकालो विद इन वन मिनट। तो इसको अगर हल किए तो क्या है, आप देख लिए था इसको भी, इसमें था क्या था, सबसे पहले इसका NaOH क्या निकाले मॉलिक्यूलर वेट, NaOH कितना आया 40, ठीक है। और तो मोल की संख्या आ जाएगी N, यानी कि तो मोल का क्या था ये भाग बटे और क्या बात है 40/40, ये तो डायरेक्ट हो गया। अब सीधे यम निकालेंगे। अब यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली बात थी, यहाँ दिया है 250 ग्राम, तो इसको किलो में बदलना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा 1000 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ मानो सीधे ये हो गया मोलों की संख्या इतना हो जाएगा और 250/1000 यही हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या बदला उसको केजी में बदला, तो ये हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, इसको ऊपर दे दिया सीधे, ठीक है। तो सीधे हो जाएगा 1000/250 सीधे हो गया 4, बात समझ में आ गया। तो इस प्रकार से कोशिश करेंगे तेल लगाने के लिए। अब थोड़ा सा एक और इससे थोड़ा सा है, ये बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा सा, तो क्वेश्चन लिखेंगे, लिखिए इफ मॉलिक्यूलर वेट, बात नहीं, इफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए साल्ट इज 60, ठीक है। आगे है 9 ग्राम साल्ट डिजॉल्व इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड आउट मोल एनर्जी ऑफ सॉल्यूशन, मोल एनर्जी ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन थोड़ा देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है क्या है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ साल्ट, एक साल्ट है लवण है जिसका मॉलिक्यूलर वेट है कितना 60, कह रहा है 9 ग्राम इस साल्ट का, इस लवण का कितना 9 ग्राम पानी में घोला गया है और भी कितना पानी है 250 ग्राम, ठीक है। तो
अफगान आगे जो बिलियन बना उसकी मोलैरिटी निकाल निकालनी है, यानी कि ये वाला देखिए आपने डायरेक्शन रख दिया है वेट, ये क्या हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट है और ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, तो ये मॉलिक्यूलर वेट हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा, क्या कर रहा है उसके बाद से सब दिया है ज्ञात कर लीजिए, सब दिया है ज्ञात कर लीजिए फटकर ठीक है। तो यहां आप देख पा रहे हैं क्या दिया गया मालिक आपको सिर्फ फार्मूला रखना है, ये क्वेश्चन अगर देख रहे हैं लगा पा रहे ठीक लगा लिए ठीक है, नहीं लगा पाए तो थोड़ा सा ट्राई कर लेंगे, क्या दिया है वेट ऑफ साल्ट, यहां देखें ये वे आपका हम लोग वेट ऑफ साल्ट सीधे अगर लिखा जाए तो सबसे ऊपर क्या है वेट ऑफ साल्ट, इसमें कितना ग्राम दिया गया है क्वेश्चन पढ़ो कितना ग्राम है नौ, यानी कि नौ है नाइन ग्राम है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया है 65 प्लस में ही दिया है और कितना में घोला गया है ये देखिए 250 ग्राम है 250 ग्राम है और हमको क्या चाहिए ग्राम को केजी में हमेशा इस फॉर्मूले क्या रखना है केजी में रखना है, हमेशा क्या रखना है केजी में रखना है, तो यहाँ कर दिया 1000 से भाग दे दिया, मैं ग्राम को 1000 से भाग देंगे तो क्या होगा किलोग्राम में बदल जाएगा, तो ये हो गया आप इसी को साफ कर लेना है, बात समझ में आया तो हो जाएगा ये साफ, इसको सीधे चाहे तो ऐसा करके उल्टा करके लिख सकते हैं ये, यानी क्या कर सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं 9/60 × 1250 हो जाएगा, हो जाएगा ना कैलकुलेशन, अब इसको काट दिया जाए एक जीरो से ये जीरो काट दिया जाए इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये 3 है और 6 है सॉरी 9 और ये काट दिया जाए 3 × 6 और 3 × 9 ये भी कट गया, अब क्या बच्चा इसको काट दिया जाए 5 से काटोगे तो 2×5 = 10 और 5×5 = 25 तो ऊपर हो जाएगा, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना 6 और नीचे हो जाएगा 2×10 हो गया ना, अच्छा 5×5 = 25 × 5 = 10 × 5 = 2 6 तो सीधे आएगा 0.6 क्या चीज मोल प्रति किलोग्राम, तो हमेशा देखिएगा जिस चीज का आधार आपको क्या हो यूनिट पता हो तो यूनिट जरूर लिखेंगे, क्योंकि परीक्षा में बीकॉम जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देता है उसके आगे देकर के और बदल देता है, केवल यूनिट बदल देगा तो चीजें बदल जाएंगी, इसलिए क्या करेंगे ये यूनिट उसको हमेशा ध्यान देंगे जिसका आपको आता है, कोई परीक्षा मान लो मल्टीपल वाला हो तो अलग बात होती है, लेकिन अगर रीजनल वाली जो परीक्षा होती है उसमें यूनिट भी चाहिए, जब भी आप आंसर लिखते हैं अगर यूनिट नहीं लिखे है तो ये पूरा सही नहीं है, 0.6 के आवाज कुछ नहीं, लेकिन जैसे मोल प्रति किलोग्राम कहेंगे तो बात सही होगी, इसलिए हमेशा चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो जब भी आपको क्या आंसर लिखना है यदि उसका यूनिट है तो आप उसको जरूर लिखेंगे ठीक है, और नहीं लिखे तो वो आंसर आपका पूरा नहीं माना जाता है किसी भी परीक्षा में, तो उसको नंबर पे काट दी जाती है, बात समझ आ गया, तो इस प्रकार से उसको करेंगे तो आप अभी तक यानी कि लगातार आप पढ़े जो बिलियन की सांता व्यक्त करने के लिए पढ़े, आपने क्या लिखा मास परसेंटेज पढ़ा उसके बाद पढ़ा मोल फ्रैक्शन पढ़ लिए, उसके बाद पढ़ा आपने मोलैरिटी और आज पढ़ा आपने मोलैरिटी ठीक है।